अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, मैं खड़ा हूं बाबोला नाके पर। आप देख सकते हैं ये बस स्टॉप जो है, जिसकी मैंने पिछले हफ्ते में खबर लगाई थी, 28 तारीख को मैंने खबर लगाई थी ये बस स्टॉप चोरी हो गया था। आज 12 तारीख है, ये बस स्टॉप अपनी जगह पर फिर से लगा हुआ है, लेकिन ये बस स्टॉप 3 तारीख को लगाया गया, ऐसी मेरी जानकारी में आया। मैं मोहरम में बिजी था, छुट्टी पे था, मैंने फॉलोअप नहीं लिया। 28 तारीख को मैंने वीडियो लगाया, महानगर पालिका अधिकारियों को मैंने अवगत करवा दिया, लेकिन महानगर पालिका अधिकारियों ने कुछ किया नहीं, सिर्फ वीडियो लगा था। तो ये जो स्टॉप है यहाँ पर लग गया। उसके बाद में जब फिर छुट्टी से वापस आया और मैंने फॉलोअप लिया महानगर पालिका में कि क्या हुआ, किस पर मामला दर्ज हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, और ये लगा तो कैसे लगा। तब महानगर पालिका हरकत में आई और अब महानगर पालिका ने इसकी शोध शुरू की। अभी कभी यहाँ ये सज्जन बैठे हुए हैं, इनको ये अब इधर आगे यहाँ पीछे लगने वाला पत्रा और जाली वो अभी तक भी गायब है। वो पत्रा और जाली अभी भी गायब है, वो इनको अभी मिला है बस वक्त पीछे वाली जो प्रॉपर्टी उसके अंदर मिला है। राज हे तुम्हाला कुठून भेटल भेटला? काहीच्या दुकान आहे ना, बिल्डिंगच्या पाठीमागे होता। हॅलो, कधी भेटला आहे? आज मला भेटलाय। आज 12 तारीख आहे, 12 तारखेला भेटले। हे 28 तारीख पर्यंत, 28 तारीख ला गायब झाला होता, गायब झालेला होता। तेव्हा आम्हाला माहित नाही कोणी उचललं, कोणी काय, माहित नव्हता। तेव्हा आम्ही पालिकेमध्ये आम्हाला फोन आले की आपलं बस स्टॉप गायब झालेलं आहे, ही कोणी काढलं तुम्ही जेव्हा विचारा, आम्ही आलो इथे विचारा तर कुठे आम्हाला माहित नाही। तेव्हा आम्ही शोधायला कोशिश केलं। पाठीमागच्या पत्रा कुठे आहेत? पाठीमागच्या पत्रा माहित नाही, पाठीमागे जाऊन शोधलं, आम्हाला भेटलं नाही। इकडे कॅमेरा काय आहेत काय? आता यांचा कॅमेरा नाही आहे, इंग्रजी कॅमेरा चेक करावा लागेल वाटते। तर FIR का झाली नाही आता? पण आता FIR साठी आता मला बोलावं लागेल, FIR केलेला आहे साहेब, मिस्टर आलेला होता। अब वहां क्यों रखा गया था, इतने दिन में FIR क्यों लॉन्च नहीं हुई, महानगर पालिका किसको बचा रही और क्यों बचा रही है? 15 दिनों में इन्होंने बस स्टैंड क्यों नहीं ढूंढ पाए? वसई विरार महानगर पालिका जो बस स्टैंड पब्लिक के पैसे का बस स्टैंड है, उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाई? और जब हमने उनको बताया कि ये बस स्टॉप यहां से गायब हुआ, तब भी महानगर पालिका ने कुछ नहीं किया। ये मैंने दोबारा आज फॉलोअप किया, तब जाकर आज ढूंढने आए और वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी, मैंने आज परिवहन समिति के सदस्य, पूर्व नगर सेवक से भी बात की और आज हरकत में आई है। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब देखना है कि वसई विरार महानगर पालिका खुदा दखल कब करेगी और जो भी इसके लिए गुनहगार है या जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्यवाही कब होगी, ये मेरा सवाल है। अभी भी लगा है लेकिन आधा अधूरा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।